वाह वाह परवरदिगार, वास्तव में जो मैंने सुना था उससे भी कई बढ़ चढ़ के ये चंदन कौर रूप और हुसन की वाकई काबिले तारीफ है। हुजूर मंत्री, जो तूने कहा था ये तो उससे भी कहीं चढ़ के, उससे भी कहीं सुंदरता में और जवान है। वाकई मेरा दिल आ गया इसमें। हुजूर आपके लायक पटोला है, बिल्कुल बिल्कुल पटोला। हाँ मैंने भी इसे बहुत समझाया है, लेकिन क्या कहती है? परंतु महाराज काबू में नहीं आ रही अभी। कोई बात नहीं, ये आपके ही काबू में आ सकती है। हाँ इसे हम काबू में कर लेंगे, चिंता मत कर। पूरा भरोसा है आप इसे काबू में नहीं दबोच दोगे जैसे बाज दबोच देता है। ए लड़की, हाँ तुझे पता है तू कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी हूँ? अब तू हमारे दरबार में खड़ी है, तेरे हमारे मंत्रियों के घेरे में खड़ी है। ओहो हम तेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करना चाहते हैं। कैसी मेहरबानी? हम तेरे से प्रसन्न हैं। अच्छा हाँ बस एक कहा मान ले। कौन सा? एक कहा मान ले। बताइए। और बता दूं क्या? हाँ बताइए। सुन, अरे कर इस्लाम कबूल तू लड़की। हुजूर की बात मान ले, बस एक बात मान ले। अच्छा और क्या करूं? अरे कर इस्लाम कबूल तू लड़की। हाँ। न्यू ऐलान करूं बादशाह जी, सुनिए मेरी बात। अगर बादशाह भी कहती है हाँ। और जी भी कहती है तो बात मानने में क्या फर्क है? बादशाह सलामत कहे। हाँ। अच्छा बादशाह तुझे उर्दू अल्फाज नहीं आते? नहीं मुझे नहीं आते। सब सिखा देंगे। अच्छा बिल्कुल। कैसे सिखाओगे? कहिए। कलमा पढ़ाएंगे। अरे करे इस्लाम कबूल छोकरी। अच्छा अरे न्यू ऐलान करूं कर ले बंद जुबान बादशाह हर कुछ नहीं डरूं मैं। कर इस्लाम कबूल छोकरी। कर इस्लाम कबूल छोकरी। न्यू ऐलान करूं मैं। कर ले बंद जुबान बादशाह हर कुछ नहीं डरूं मैं। कर इस्लाम कबूल छोकरी। अच्छा और ना मानूंगी तो? हुजूर इतने भी उतावले मत बनो, प्रत्येक लड़की पहले नानू करती है बाद में ही मानती है। अच्छा बाद में मानेगी? ये कौन है तेरा चमचा है? नहीं मंत्री है, इसे अदब से पेश आ। हम मंत्री हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी बात, इधर वर्तमान मंत्री हैं, इधर भावी मंत्री बैठे। अच्छा मैं नहीं कर रही तेरे से। नहीं मानेगी? नहीं। अरे बचकानी हट मत ठाने। अरे बचकानी हट मत ठाने। सिंगनी की जाई को गीदड़े धमकी दे डर पावे। चंद्रमा सा चेहरा तेरा। चंद्रमा सा इस्लाम कबूल छोकरी।
मेरी बात सुनिए बादशाह साहब, कहिए। मैं तुम्हारी ये छोटी मोटी और कुत्ते वाली धमकी है ना, इनसे डरने वाली नहीं हूँ। अच्छा हाँ हुजूर, ये ऐसे डरेगी भी नहीं। ये हुजूर, ये रहमतुल्ला समझाएगा इसे। हाँ हुजूर, इसने हमारे कई मंत्री तो घायल कर दिए। जो डीक का चौराया ना, उसी पे पकड़ पकड़ के इसने कई मार दिए। चंदन कौर, तू भी मरेगा नहीं तो बैठ जा। अरे मेरी बात सुन, मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ तो जो थे वो छोटे मोटे मंत्री थे। हाँ। पर जो यहाँ पे बैठे हुए ना, अच्छा, वो असली दमदार मंत्री बैठे हुए। एक मुक्के में नीचे जा, वहाँ पे वहाँ ना सुन, वहाँ तो खाती होगी दाल रोटी कुछ मिलती। अरे दाल रोटी भी क्या, लाल चटनी खाती होगी, लाल मिर्च की। मंत्री हो, सुने सुनिए, मैं जैसी भी हूँ, जो भी कुछ खाती हूँ, दाल रोटी चटनी पटनी, मैं ठीक हूँ अपनी जगह। वैसे तो ठीक है, पर हमारे हुजूर ना तुम्हें और ताकतवर बनाना चाहते हैं। मैं तेरी ताकतवर हूँ, क्योंकि मेरी तरफ देख, जो शरीर है ना वो अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तुमको पहलवानों में लड़ाया जाएगा। अच्छा, तुमको बड़े का माल मिलेगा, एकदम चूस चूस के। तू बड़े छोटे का तू ही खा ले, बैठ जा। कौर, हाँ, आज जो तू इस पहनावे में है, अच्छा, इसमें नहीं रखूंगा, तुझे बेगम बना करके रखूंगा। मुझे तेरी बेगम नहीं बनना। एक बार मान लेगी जीवन भर सुख पाएगी। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सुन, कह दे नसीब तेरा महला की, जगह नसीब तेरा महला की, बेगम तुझे बनाऊं मैं। धमकी और लोभ लालच में कभी ना धर्म टिकाऊं मैं, कभी ना धर्म टिकाऊं मैं। अमर मिसाल बना दूंगी, चाहे जीऊं चाहे मरूं मैं, हर इस्लाम छोकरी छोकरी।
ये पता है तू कहाँ खड़ी है? पता है कहाँ खड़ी हूँ? तू अहमद शाह बादशाह के दरबार में खड़ी हुई है। मंत्री, इसने तुम्हारे बादशाह का अपमान किया है, दरबार की तोहीन की है। इसने दरबार की तोहीन की है और इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रहमतुल्ला जी हुजूर, वो अपनी पेनी वाली छुरी निकाल करके ला। हुजूर, उसे पहना रहा हूँ मैं अभी अच्छी तरह। अच्छा, अभी रगड़ रहा है एक ही बार में, क्योंकि ये थोड़ी मोटी है ना, एक बार में पार नहीं निकलेगी। हुजूर, यही सोच ले, इसको काटना भी नहीं है। हुजूर, इसे अंतिम बार पूछ लो, ये मानती है कि नहीं मानती? लड़की मानती है या नहीं मानती है? नहीं मानती। अरे एक बार और सोच ले, मान जा। नहीं, इस्लाम कबूल कर ले। नहीं करूंगी। कबूल कबूल कबूल। अरे नहीं करूंगी। और ये ऐलान करती हूँ कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो मुझे हिंदू से मुसलमान बना के देख। तो सुन, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन मुस्लिम धर्म कबूल नहीं करूंगी। मैंने तो सोचा था एक में इसे अपने बेगम बना करके रखूंगा। हाँ। ये अपनी जिंदगी से प्यार करेगी। लेकिन तू इस लायक नहीं है। नहीं, तूने तो मेरे इसे दराज दरबार का अपमान किया है। ओहो, कर दिया। अब सुन, तुझे क्या सजा दूंगा? क्या? हाँ, तुम तो सोच रहे थे बेगम बनेगी। हाँ। इतनी सी भी तवज्जो नहीं दे रही, ये ना बन रही दुख की भी। कोई बात नहीं, अभी इसका इलाज कर दूंगा। करो महाराज। सुनो, इलाज कर। उठो मुसलमान इस छोरी को, उठो मुसलमान इस छोरी को, जिंदी तुरंत चला दो। ले कायर का खून नहीं जो धमकी दे कर पा दो। बादशाह का हुक्म न माने, बादशाह का हुक्म न माने, इसको मजा चखा दो। चाहे कोई सजा दो, चाहे कोई सजा दो। हेरा राम किशन नर देव सत्य के, राम किशन नर देव सत्य के, चुन चुन सत्य भरो में, कर इस्लाम कबूल छोकरी। छोकरी क्यों ऐलान करूं?